तो भाई आप लोग कैसे हो? दिस इज व्लॉग नंबर 15 और आज हम लोग हैं, क्या सही वेदर हो रखा है देखो। और मैं आप फ्रंट कैमरा सॉरी फ्रंट स्क्रीन ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बट वो ऑन नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, वो डबल क्लिक में हो जाती है। बट जस्ट लुक एट द वेदर, क्या सही वेदर है। हम अपने कॉलेज के बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं। अब बाय द वे यहाँ से ट्रेन जाती है हाई स्पीड। चलो तो फाइनली हम यहाँ क्यों हैं, आप लोगों ने सिनेमेटिक शॉट्स देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ये Today we are doing a comparison between the Black Beast, that is the Harrier new 2021, and the all-new Alcazar, that is the 2021 as well. Plus the first का nameplate Germany वाला, so cool. So first of all, देखो कायदे से तो इसका comparison होना नहीं चाहिए, but still we are going to do based on the price tag. होना क्यों नहीं चाहिए? Because there is this third row, which is the undue advantage. It's basically, you know, is a big vehicle as compared to the Harrier, which has only 5 seats. But starting from the start, we are going to go. कैसा है देखो, इसकी keys वगैरह ऐसी हैं. Harrier is in all black. And तो i20 की पहले आती थी, even Verna या Creta की आती थी, वैसी कुछ Alcazar की है. Front look दोनों का काफी different है. To be honest, Alcazar is very good looking. It's definitely gives you a feel of Creta. If you're not looking from the sideways, in the back as well. But other than that, जो macho look है, टू डेट विल डेफिनेटली गो फॉर हैरियर। बहुत ही शानदार लग सकता है, प्लस जो ब्लैक कलर की उसका कंप्लीट सेटअप, इट लुक रियली गुड। एंड आई हैव दिस एक्स्ट्रा फीचर एज वेल कि अगर इफ आई प्रेस द लाइट बटन, लुक इट, मुझे भाई लाइट्स आती है ना ब्लैक पे, LED अलग ही दिखती है भाई, बहुत शानदार है भाई, बहुत शानदार। तो स्टार्टिंग वी आर गोना डू विद द हैरियर ओनली। इसको अनलॉक करते हैं, लाइट्स को ऑन कर देते हैं। This is how it looks, all complete setup. ना थोड़ी गंदी है गाड़ी भाई, क्योंकि आप समझ सकते हो बारिश का महीना है, rainy everywhere. गाड़ी को हम start कर रहे हैं, seats very quiet. You actually can't feel, जो कि लोग काफी कहते हैं कि you know Tata is a bit noisy, but to be honest, भाई मेरे को नहीं लगी, car is super quiet. इट्स वेरी एलिगेंट। और सबसे बेस्ट पार्ट भाई, अंदर से ये बहुत चौड़ी है मैन, ये बहुत ज्यादा चौड़ी कार है। आपको हो सकता है फील ना हो रहा हो बिकॉज इन द वीडियो, बट व्हेन आई विल मूव टू इन यू नो, जब अपन लोग मूव करेंगे Alcazar के अंदर, आई थिंक यू गाइज विल बी एबल टू मेन यू नो, यू गाइज विल बी एबल टू एक्नोलेज कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा स्पेशियस है। मतलब जस्ट लुक एट द स्पेस, क्या स्पेस है भाई। Now, जो सबसे इसकी किलर चीज है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग जो which I am gonna talk about first is इसका इंजन भाई। इट इज मल्टी जेट 170 PS पावर्ड इंजन। जो इसकी पावर है ना भाई, मतलब दिस मोड ओवर हेयर, बीस्ट मोड और स्पोर्ट्स मोड, बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट्स मोड। दिस स्पोर्ट्स मोड एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इट इनटू बीस्ट एंड व्हेन यू प्रेस इट, भाई बेइज्जती नहीं, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। See? It also calls you ki, you know, you have turned on the sports mode as well. This is super cool, I'm telling you. Itni power, gaza power hai bhai. Matlab sometimes I even feel ki yaar Fortuner to khel khatam hai. Trust me, because maine Fortuner chalai hai, but this car, this is just a power rocket. Simply a rocket. Bhai, iska interior is in complete black chrome kind of a thing, which I absolutely love. Black to yaar achha lagta hi lagta hai. This handbrake, typical Tata style. Kyun hai, kya hai, iske piche ka sense I don't have. बट फील्स गुड। इसमें मोड्स भी दिए गए हैं, दिस इज अ नॉर्मल मोड, देन दिस इज
Wet mode activated. You can hear and then. City drive mode activated. Hey, ruko. Wet mode activated. Rough road mode activated. See, so basically it is कंप्लीट पैकेज और भाई मेरे को ये गाड़ी बहुत सही लगी कंफर्ट वाइज सिटिंग वाइज इसका कोई मुकाबला नहीं है इफ आई टर्न ऑन द पैनोरामिक सनरूफ मैसिव मैसिव सनरूफ है भाई मैसिव सनरूफ एंड सनरूफ इज एक्चुअली बिगर देन द अल्काज़ार्स वन यस सी हाउ बिग सनरूफ ओ जस्ट लुक एट द स्पेस मतलब इफ आई एम टर्न ऑफ द कार एंड Let's get out and sit in the second row. Let's see how it goes. Okay. गाड़ी के अंदर बोतलें ही बोतलें और गंदगी बट ठीक है स्पेस देखो भाई सीटिंग पोजीशन देखो कितनी स्पेस है मेरे साइड में भाई इजीली दो बंदे और बैठ सकते हैं इमेजिन कितना गैप है प्लस JBL साउंड सिस्टम Leather upholstery. Seats are absolutely good. मतलब to be honest, Tata ने बहुत गजब का काम किया and I'm really happy with this. और हमारा वो mounting लगी हुई. इसके बाद let us move to the Alcazar. देखते हैं उसमें क्या है and we'll see the difference. Now if you guys can see, space है but यार इतनी चौड़ी नहीं है व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट द हैरियर मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि जितना ब्रॉड वो कार है ना जितनी उसमें ज्यादा विर्थ है वो इसमें कहीं ना कहीं कम है बट देन दिस इज अगेन अ वेरी एलिगेंट कार इसके जो भी फीचर्स हैं फ्रॉम लाइक वी हैव द स्मार्ट यू नो दिस थिंग हैंड ब्रेक सिस्टम अगेंस्ट द मैनुअल एंड द मैमथ kind of a thing very good leather upholstery ambient lighting and everything so jo add on advantage hai plus the digital instrument cluster this car is on another level that car is on another level so basically inka point banta nahi hai dekho comparison ka wo to apan kar rahe hai because since we have both the installments in the house and it's our to karna chahiye banta hai ki dekh le kaisa kya hai and they both have fall on the same kind of a price tag as well तो कहीं ना कहीं यार बनता है एक इसके थोड़ा सा इशू ये है कि ये एक बार में पीछे नहीं आती इसको चेंज करना पड़ता है मतलब इफ यू विल पुश फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट विल गो बैक द स्लाइडर विल गो बैक एंड इट विल स्टार्ट ओपन सो यू नीड टू स्टॉप इट एंड देन डू इट अगेन सो दैट इट ओनली शोज यू विदाउट ओपनिंग द सनरूफ ऐसी कुछ सनरूफ है सनरूफ सी इट्स ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट बट थोड़ी सी हैरियर की ज्यादा है कंपेरेटिवली एंड नाउ एवरीथिंग यू सी whether it is sitting posture or what harrier ka thoda more it was more bossy now what I mean by bossy is ki thoda aur zara muscular thi baki to yaar I think this car is really good premium kuch point iske acche the kuch uske acche hain like see the cushion right over there this thing as well so this is very good and then obviously there is this one thing that is matlab uncomparable which makes both of them uncomparable is it has a third row man पॉइंट ही नहीं है ब्रो पॉइंट ही नहीं है थर्ड रो है ना तो ये चीज है बट ऑन दैट आई वुड से कि वन थिंग दैट इज फॉर श्योर व्हिच आई हैव सीन सो फार मतलब दोनों ड्राइव करी हैं एंड टू बी ऑनेस्ट हैरियर इज मोर पावरफुल अनडाउटेडली बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉट ओनली स्पेकुलेशन स्पेक्स बट ऑल्सो अबाउट दैट इट हैज अ मोर पावरफुल इंजन एंड जस्ट लुक एट द एलईडी सेटअप बोनट ही देखो यार मतलब उसका कितना चंकी बोनट है कितना ज्यादा चंकी बोनट है हैरियर का एज कम्पेयर टू उसकी तो भैया हमारी हेल्प करते हुए इवन इसका टायर भी बड़ा है हैरियर का इट इज अ मच बिगर ऑल्दो अलॉय सेम आई गेस बट टाटा के इंजन में थोड़ी ज्यादा आवाज है आउटसाइड नो मैन इट्स एक्चुअली कि टाटा का ज्यादा क्वाइट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस इट्स एक्चुअली क्वाइट तो ऐसे कुछ देखते हैं दोनों भाई लाइट अगर ऑन कर लेते हैं ये कुछ सेटअप है इवनिंग में एंड यू कैन सी ड्रिजलिंग इज हैपनिंग अब अगर मैं साइड प्रोफाइल कंपेयर करूँ ना अगर लगे कि दिखेगी कि नहीं देखो तो हैरियर दिखेगी नहीं क्योंकि ये लंबी है भाई इसका व्हील बेस इट इज एक्चुअली लॉन्ग है बट जैसे ही साइड में आएंगे जस्ट लुक एट द बैक
See, I'm not going to judge anyone, and I also hope that you guys don't judge me. But क्या लग रही है Harrier पीछे से यार? Harrier is looking so good, man, so good. बहुत ही चौड़ी सी दिख रही है. It has got this rugged design, coupe kind of a thing, sweeping through this C section. मतलब it's very nice. मतलब feel हो रहा है कि हाँ वो जो Tata ने उस समय कहा था ना कि Range Rover people are gonna design their upcoming cars and their all upcoming models are going to be on that thing. So we can judge and we can see that all their commitments was, you know, all their commitment was right. They have stand up to their promise. Okay. And it's on the other hand, see Alcazar, it's very premium, it's a family car. Width dekho, imagine main agar yahan khada hu, main aisa kar raha hu, main kar pa raha hu. Now see, if I'm standing here, bhai itni dur aur hai. Obviously you can see that Harrier is a much broader car. Ab agar side se dekhenge ki kya Harrier se wo dikhai dege ki nahi. देखो यार हैरियर भी बड़ी लंबी है यार, वो तो ये भी छुपा रही है. दिस वाज समथिंग दैट आई नेवर न्यू, बट सपोजिबली हैरियर हैज एक्चुअली हिडन द अल्काज़ार. वाओ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, बट समहाउ इट हैज बीन डन, समहाउ इट इज बीन डन यार. दिस इज सुपर कूल. बंद कर दो. इट इज साउंडिंग की key is not inside the car and the gate is locked. Key is not inside the car and the car is locked. So basically what I am trying to say is ye jo comparison tha chota tha bhai, Harrier on any ground is way too powerful than Alcazar, obviously because of the engine power, torque and everything. Aur wo chalane mein bahut fun hai yaar, bahut zyada. And I also believe that कि जो SUV capabilities होंगी comparatively Harrier की ज़्यादा अच्छी होगी as compared to Alcazar, because see वो एक family car है, it's more of a like a MUV rather than calling it an SUV, even though even Alcazar has all those modes which are found in the Harrier, like the sand mode, rain mode, rock mode and all those things. On scientific grounds both of them are not SUVs, but only because of the shape, size and power delivery of Harrier I'm counting it a bit more as compared to the other car. But overall both of cars are really good. Both of the cars are almost at the same price tag. I think Harrier was like 2485 on road price in Gwalior MP, and this has come at a cost of 2393, so it is almost a difference of a lakh or something. And these two cars are at really competitive prices. Both of them are really good in their own terms. If you're gonna ask me what I'm going to pick for a family basis, definitely Alcazar. If you're gonna ask me what I'm going to pick for myself, if I am a driving enthusiastic, obviously Harrier. So on that note, I'm just winding up the entire video. Aur thode bahut cinematographs, cinema shots aapko aur dikhate hue, and then we are taking it. तो फाइनली अब हम लोग हैरियर में बैठे हुए हैं, एंड हैरियर में डीजल बहुत ज्यादा कम है भैया, उसका डीजल डलाना है उसमें तो काफी. तो इसका एवरेज बहुत खतरनाक है यार हैरियर का, इसका एवरेज बहुत कम है लिटरली. मैं कंपैरिजन देना भूल गया था, उसका एवरेज माइंड ब्लोइंग है. 14 तो सिटी में क्लेम कर रही है, एंड आई थिंक 12 के अराउंड उसने दिया भी है जब से हम लोग चला रहे हैं, और हाईवे पे दे आर क्लेमिंग 18. तो वो अपन अभी देखते हैं, गाड़ी पुणे जाने वाली है, रिपोर्ट आ जाएगी. बट एक चीज जो थी भाई, जब उसका फुल टैंक कराया था ना तो उसका जो किलोमीटर रेंज आया था दैट वाज 800, बहुत बड़ी बात है. 65 लीटर के टैंक में 800 का, फॉर्च्यूनर के 95 में नहीं आता 800, 650, 616 समथिंग ऐसा आता है. तो अभी रेड कलर में सेट है, एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स ग्वालियर. बहुत स्मूथ चलती है, इसका पता ही नहीं चलता कब 80 हो गई, एंड इट इज सिंपली मूविंग टुवर्ड्स 100. बहुत पावर है यार इस गाड़ी में, बहुत ज्यादा पावर है, फार बेटर देन अल्काज़ार पावर वाइज एंड ड्राइविंग क्वालिटी वाइज आल्सो. वो थोड़ी कार जैसी लगती है चलाने में, एमयूवी वाली फील. वो जो फर्स्ट टाइम
इनोवा न्यू लॉन्च हुई थी ना कि 7 सीटर बड़ी कार है उसको आराम से क्रूज कर दो चला, वो वैसी फील देती है एकदम। उसकी स्टेयरिंग भी काफी लाइट है, इट इज वेरी इजी टू हैंडल, छोटी सी स्टेयरिंग आई थिंक 2 टर्न्स में कम्प्लीट हो जाती है। कम्पेयर टू दिस थिंग दिस इज वेरी हैवी, ब्रॉड है, कम्पेरेटिवली थिक है होल्ड करने में, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बड़ी गाड़ी आपके पास है, तो इट्स एक्चुअली गुड, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अदरवाइज अगर हाई स्पीड्स पे अगर आप बहुत लाइट स्टेयरिंग चलाते हो तो भाई मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेयरिंग, हैवी स्टेयरिंग होगी तो मेरे को आई फील बिट मोर कम्फर्टेबल, जो कि हैरियर में काफ़ी आता है। आपने एल्काज़ार भी चलाई और आपने ये भी चलाई है, आपको कंपैरेटिवली कौन सी कार ज्यादा अच्छी लगी? ताकत ज्यादा है, हैरियर में ताकत ज्यादा है ना, मैं वही कह रहा था। सो इट्स 2-on-1 एल्काज़ार बहुत स्मूथ है, वो एक एमयूवी कार है, जैसे स्टार्टिंग में इनोवा आई थी ना आपको रिमेम्बर है, 7 सीटर कितनी लग्जरी कार थी, उसको आराम से लंबा चला जाओ, एंड एज कम्पेयर टू दिस ये तो बहुत पावरफुल कार है भाई। मतलब ये लिटरली मेरा वो है ओवर, मेरा व्यू है, ऑब्जर्वेशन है कि अगर यमुना एक्सप्रेस पे हैरियर वर्सेस फॉर्च्यूनर कर दिया जाए तो फॉर्च्यूनर को भी दिक्कत आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज का वेट टू पावर डिलीवरी रेशियो बहुत अच्छा है, इसका वेट कम है फॉर्च्यूनर से, एंड ऑन सेकेंड नोट इसकी पावर कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। जो ओल्ड वर्जन है 2016-18 वाला जो कि हमारे पास है वो तो सेम पावर है, उसकी 178 bhp है, इसका 170 bhp है, और जो करंट फॉर्च्यूनर है वो शायद 201 या 202 bhp है, बट ओवरऑल उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं बिकॉज उसका वेट बहुत है फॉर्च्यूनर का एज कम्पेयर टू हैरियर। इट्स अ 7 सीटर बिग कार, बिग अलॉयज एंड एवरीथिंग, मतलब काफी बड़ी है वो साइज में, एंड ऑन द अदर हैंड दिस इज स्मॉल एंड वेरी स्मूथ एंड वेरी पावरफुल। प्लस इसके गियर रेशियोज बहुत अच्छे हैं, बहुत सी कितना क्विक शिफ्ट है, यू पुश द पेडल डाउन इट जस्ट बिकम द रॉकेट, एकदम टेक ऑफ लेती है गाड़ी। हाँ नहीं भूल गया था, इसका जो स्पोर्ट्स मोड है ना वो इतना गजब का, इतना पावरफुल है कि पापा स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो, पापा भी कह रहे हो भाई क्या भाग रही है गाड़ी, और रेन ड्रॉप्स आते हुए लगता है ग्वालियर द्वारा बारिश के साथ स्वागत कर रहा है। देखो कांटा ऐसे भग रहा है 60 के बाद 80-100 तो, कि मतलब ओ बहन बहुत पावरफुल मोड है स्पोर्ट्स मोड इसका। इसका स्पोर्ट्स मोड एक्चुअली बहुत फन है, एक्चुअली बहुत फन है इसका स्पोर्ट्स मोड ड्राइव करना, मतलब यू कैन, कुछ कुछ कार्स में ऐसा होता है ना दैट यू कांट रियली मेक द डिफरेंस कि यार स्पोर्ट्स मोड चल भी रहा था क्या अच्छा, बट इसमें यार आपने यू किक इनटू द स्पोर्ट्स मोड एंड यू विल फील दैट सडन पंच ऑफ पावर, एकदम फुल पावर डिलीवरी करती है, गुड यार, एक्सट्रीमली गुड, टाटा हैज डन रिमार्केबल वर्क। सेम चीज हैविंग, आई एम स्टिल कंप्लीटिंग दिस थिंग दैट सेम चीज जो पंच है वो उसमें भी फील होता है उसके स्पोर्ट्स में, बट जस्ट वही बात है ना कि यार उसका 115 bhp है एंड दिस इज 170 bhp, तो ड्राइव वाइज पावर वाइज ये कार, और सिटी वाइज फीचर्स वाइज ट्रैवल वाइज कंफर्ट वाइज 100% अलकतरा। आज वेदर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे कमाल के शॉट्स आए होंगे ऐसा मेरे को, यू नो आई एम वेरी होपफुल बिकॉज वेदर वॉज डैम गुड, और जो लाइटिंग सेटअप था जो आई वॉज होपिंग बिकॉज दोनों डार्क कलर्स हैं, एक ब्लैक है दूसरा ग्रे है, इट्स नॉट ग्रे, इट्स काइंड ऑफ लाइक ग्रे ही है, बट इट्स वन ऑफ द शेड ऑफ ग्रे, नार्डो ग्रे तो नहीं है 100%, बट इट इज ग्रे, इट्स वन ऑफ द ग्रे, सो डार्क कलर्स थे, अगर सनलाइट आती स्ट्रेट अवे सनलाइट नॉर्मल डे होता तो आई थिंक कंपैरिजन करने में थोड़ा दिक्कत आती बिकॉज जो ब्लैक कलर, जो ग्रे कलर था वो कहीं ना कहीं ब्लैक के संग वो कैमोफ्लाज वाला फील देता, विच आई वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू, सो दैट क्लियर कट समझ में आता कि किस कलर का कैसा इम्पैक्ट मतलब निकल के आता है वो बाहर स्क्रीन पे। तो कि अब बहुत अच्छा वेदर था, इट वॉज ऑल क्लाउडी, इवन हमारे आते समय हमको वी गॉट सम गुड रेन एज वेल, तो वो शॉट मैं ले नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग एंड वी वर डिस्कसिंग समथिंग रिलेटेड टू द वर्क, बट ओवरऑल बहुत अच्छा सेटअप हो गया, वाइंड अप कर लिया अच्छे से, एंड आई गेट एंड आई होप कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स हमें मिले हैं, सनरूफ वाला शॉट भी हो गया। फॉर टुडे इट्स ऑल डन, रैप अप इज बीन गोइंग ऑन,
और अगले वीडियोस में आपको हम और बढ़िया बढ़िया राइड्स पे या कंपैरिजन वगैरह पे लेके चलेंगे। इफ यू वांट तो हैरियर वर्सेस फॉर्च्यूनर भी बना सकते हैं, फॉर्च्यूनर वर्सेस अल्कज़ार भी बना सकते हैं, इवन दो इट वोंट बी मेकिंग एनी सेंस बिकॉज वो अलग अलग सेगमेंट की कार है, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ फन वो हम कर सकते हैं। अगर इफ देयर इज एनी कार एंथुजियास्ट लवर ऑल्सो की सर आप उसका भी बट मतलब इफ यू आस्क मी all of these are different segment, even jo humne aaj comparison kiya Harrier versus Alcazar is also two different segments. This is a 5 seater compact SUV, this is a 5 seater full fledged SUV, while that is a 7 seater extended long wheelbase car, Creta transformed into Alcazar. So basically it was not meant to be, but only for the sake of saying, aur uska jo price tha it was almost on the same parity, jaisa maine bola 2390 something was Alcazar and 2485 is Harrier, so it was a difference of just mere 1 lakh rupees. To humne basically us price tag value ki basis pe ki koi agar 20 to 25 margin amount ke sath if somebody is planning to buy a car, especially a SUV for family purpose, his own purpose, आउटडोर पर्पसेस, सो वो कौन सी कार होनी चाहिए, सो उसके लिए हमने कहा। तो आई थिंक इट वॉज क्वाइट गुड, मेरे को भी काफी नई नई चीजें पता पड़ी और खुद चीजें करने से यार कई नई नई चीजें निकल के आनी, लाइक आई ऑल्सो एक्सप्लोर्ड मैनी फीचर्स जो मुझे खुद नहीं पता थे, लाइक Alcazar हैज अ पडल, यू नो पडल लैम्प विच हैरियर इज नॉट, हैरियर इज हैविंग अ स्मॉल पडल लैम्प लाइक फॉर्चूनर, बट Alcazar इज हैविंग अ फुल फ्लेज्ड पडल लैम्प अलॉन्ग विद द लोगो ऑफ Hyundai। सो और मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने वो भी ड्राइव करी, ये भी ड्राइव करी, एंड आई गिव एन ओवरव्यू एंड ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट द कार्स। अंदर से मेरे को भाई Alcazar बहुत अच्छी लगती है बिकॉज का जो एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप है एंड ऑल कम्फी, इट इज वेरी कम्फर्टेबल, इट इज वेरी हाईली टेक्निकली एडवांस्ड कार, उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत ड्राइवर फ्रेंडली, मतलब दैट इज अ फैमिली कार, वही मेरा कहना है ना। अब भाई फैमिली आदमी है तो वो आराम से चिल कर रहा है, उसने बच्चों के संग बात कर रहा है फैमिली के संग, तो मतलब उसको साइड में भी नहीं देखना, वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसी पे देख ले, हाँ भाई उसमें कैमरे चालू हैं, लेफ्ट मुड़ेगा तो लेफ्ट का कैमरा, राइट मुड़ेगा तो राइट का कैमरा, सात लोगों की सीटिंग है, आराम से फैमिली का लेके सामान आवान, यू नो। एंड हैरियर इज मोर ऑफ अ लाइक यू नो जो थोड़ा माचो टाइप की कि आया, उसका फील भी आता है कि हैरियर का लुक वैसा है। तो मेरे को बहुत सही लगा, मेरे को बहुत मजा आया। अब आगे आने वाले ब्लॉग्स में एक आध और अच्छे से अच्छे कंपेरिजन भी कर सकते हैं, प्लस वी आर प्लानिंग फॉर ट्रिप्स वेरी शॉर्ट वेरी सून, कैसे होता है क्या होता है कहाँ का होता है वी नीड टू सी इट एज ऑफ नाउ, बट वी आर श्योरली गोना यू नो डू सम अमेजिंग ट्रिप्स, और वो सारा कंटेंट आने वाला है, वो सारा कंटेंट बनने वाला है। मेरे को 100% ही 1000% सिनेमाटोग्राफी सीखने की जरूरत है, मेरा हाथ अभी बहुत खराब है, बट आई होप स्लोली एंड स्टेडली आई विल मेक माई एक्सपर्टीज ऑन दिस एज वेल। चलो टिल देन आप लोगों से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड आई होप माई एंटायर वर्क वॉज अ बिट फ्रूटफुल टू यू गाइस, कुछ आप लोगों को लगा होगा तो बढ़िया रहा। आप लोगों से जल्दी दोबारा मुलाकात करते हैं, अंटिल देन आप लोग अच्छे से रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, खूब ऐश करो, जम के रेस्ट करो और लाइफ में मिलकर जियो। पीस आउट, हैप्पी राइडर व्लॉग साइनिंग ऑफ, बाय।